till I get up. Time is never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world. Assalamu alaikum, guys. This is Lamia, and welcome back to another video. I hope you all are doing well, and aap log sab safe honge. And very happy new year to you and your family. I really hope कि जो आपका ये वाला साल है बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरे, जो कि साल गुजर चुके हैं. It was very tough year for everyone. So guys, in today's video, I will be sharing my trip journey through from Sharjah to Karachi basically. And usually अब आप लोग मेरे vlogs देखते हैं तो आप लोगों को आइडिया है, क्योंकि these are some of the पर्क्स, यू नो, यू कैन से ऑफ कैबिन क्रू जॉब, कि आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हो. लाइक इवन दो ऑफ डेज पे भी, क्योंकि जो आपको टिकट्स होते हैं उस पर भी आपको काफ़ी डिस्काउंट मिलता है. सो इट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट. एंड वैसे तो यू नो दिस जॉब इज़ लाइक वेरी वेरी, यू नो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज आई फील बिकॉज फ्रॉम दिस जॉब आप फैमिली को भी, यू नो, यू कैन गिव टाइम एंड यू कैन डू, यू नो, वट एवर यू वॉन्ट. लाइक फॉर मी, लाइक आई हैव रिसेंटली क्रिएटेड माई यूट्यूब चैनल, बट स्टिल मैं इसको भी टाइम दे पाती हूँ एंड आई कैन, यू नो, मैनेज एवरीथिंग वेरी वेरी ईजीली. सो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपसे अपनी जर्नी शेयर करूँगी फ्रॉम लाइक शारजा टू कराची पे. आप शारजा टू कराची की, एंड बेसिकली जो पहले मैंने वीडियो डाली थी, दैट वॉज फ्रॉम कराची टू शारजा. सो ये जो बेसिकली है, ऑन माई वे टू द एयरपोर्ट, एंड जो मेरी लोकेशन है वहाँ से मुझे लाइक 20 मिनट्स ऑलमोस्ट लगते हैं टू रीच द एयरपोर्ट. सो आई विल जस्ट शो यू अराउंड. एंड अभी जो यहाँ पर टाइम हुआ है, दैट इज़ लाइक 10 o'clock. यस, 10:30 इट इज़. एंड एवरी वन इज़ गोइंग टू वर्क, और जो रोड्स वगैरह हैं वो सारे लाइक फुली जैम्ड हैं इन अ वे, नॉट दैट जैम. सो लेट मी जस्ट शो यू अराउंड. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... I have reached to Sharjah Airport, and यहाँ पर I am going towards the check-in counter. And जो day flight थी, काफ़ी यहाँ पर crowd था, and थोड़ी देर मुझे wait करना पड़ा था for it. As you can see, like काफ़ी crowd था, क्योंकि जो flying है वो काफ़ी हद तक, you know, it's like normal only. And All right guys, so I have checked in my luggage and I got the boarding pass. और अब जो है मैं यहाँ से जाऊँगी ऊपर, क्योंकि शारजा एयरपोर्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, एंड इट इज़ वेरी वेरी ऑफ कोर्स डिफरेंट फ्रॉम दुबई एयरपोर्ट. तो यहाँ पे जो है आपको ज़्यादा वॉक नहीं करनी पड़ती है, लाइक ईजिली आप अपने गेट नंबर के पास जा सकते हो. सो हियर आई वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स अपस्टेयर्स, एंड दिस इज़ शारजा ड्यूटी फ्री शॉप. एंड बहुत अमेजिंग थी यहाँ पर, काफ़ी सेल वगैरह एंड काफ़ी डिस्काउंट लगा हुआ था. एंड यूजली जो ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं उधर आपको कुछ चीज़ें को काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेंगी, एंड कुछ चीज़ें आपको थोड़ी चीप भी मिल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड रेट्स. ओके, सो नाउ वी आर ऑल सेट टू गो इन टू द बस, एंड जो बस है वो आपको लेकर जाएगी एयरक्राफ्ट के पास. एंड ये है हमारा एयरक्राफ्ट जिसमें हम ट्रैवल करेंगे. इट इज़ द सेम एयर बस, एंड यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, पैसेंजर्स आर ऑल एक्साइटेड, सब ऊपर आ रहे हैं. मैं ऑलरेडी विंडो सीट से ये शूट कर रही हूँ. एंड जो फ्लाइट है वो ऑलमोस्ट 1 hour 50 minutes की थी, लाइक इट वॉज़ लेस देन 2 hours दिस टाइम.
ओके जी, हेयर आई एम. एक्चुअली दिस टाइम मैंने पूरा जो जर्नी है वो बिल्कुल सोते हुए गुजारी है. आई वॉज़ लाइक स्लीपिंग द फुल टाइम. एंड मैं जस्ट अभी उठी हूँ क्योंकि वी आर अबाउट टू लैंड. एंड लैंडिंग में आई थिंक 30 मिनट्स रह गए थे इस टाइम पे. एंड हेयर आई एम ऑल सेट. ओके जी गाइस, सो फाइनली आई हैव लैंडेड इन कराची. एंड यहाँ से मैं जेटी से ऑल द वे वॉक करके जा रही हूँ टू द एयरपोर्ट. एंड फिर सबसे पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा SOPs जो हैं दे आर बीइंग फॉलोड ऑन कराची एयरपोर्ट. जो भी आपकी कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट होती है आपको वो दिखानी पड़ती है. एंड देर इज़ एन ऐप ऑल्सो, पाक पास ऐप, उसको भी आपको डाउनलोड करना होता है. सो ऑल दीज थिंग्स वर स्ट्रिक्टली बीइंग चेक्ड. ओके जी, सो हेयर आई एम फाइनली गोइंग टू माई होम. एंड यहाँ पर ये जो एक पिज्ज़ा है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. सो वेन एवर आई कम ओवर हेयर आई बाय दिस एंड आई ईट दिस. सो आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अदर्स अराउंड यू.